हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आफ्टर स्टडिंग द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ फाइंडिंग नेशनल इनकम, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेकंड मेथड, दैट इज इनकम मेथड। एंड टुडे वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू मेजर नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। सो लेट वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। इनकम मेथड के दो और नाम हैं, डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड एंड फैक्टर पेमेंट मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इन दिस मेथड वी डू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। इस मेथड में हम वो सारी फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स को कंसिडर करते हैं जो कि विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट की हुई हो of a country by the residents or non-residents is called domestic income. Now the definition, अगर मैं कहूँ कि जो income normal residents or non-residents दोनों के through domestic territory में earn की जा रही है, that is known as NDPFC, net domestic product at factor cost। इसको कहेंगे हम net domestic product at factor cost। So अब हमें निकालनी है नेशनल इनकम, तो एनडीपीएफसी में हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको एनएफआईए भी कहते हैं, बिकॉज हमें निकालनी है नेशनल इनकम। सो व्हेन इन द एनडीपीएफसी वी ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट बिकम एनएनपीएफसी। चलिए अब हम देखते हैं कि फैक्टर इनकम क्या होती है। As we know, a factor income refers to income earned by a person as reward for rendering or delivery his factor services. जो income earn की जाती है factor production के through by giving their services is known as factor income. So we know that there is a four factor production. These are labor, land, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो फर्स्ट इज लेबर। तो लेबर जब अपनी सर्विसेज देता है, सो व्हेन अ पर्सन गिव देयर सर्विस एज अ लेबर, ही और शी गेट वेजेस एंड सैलरी फॉर हिज लेबर। सो फर्स्ट वी काउंट वेजेस एंड सैलरी। व्हेन द पर्सन गिविंग देयर लैंड, देन rent for his land, then we consider rent for his land, and for capital, interest for his capital, and number four, profit for his entrepreneurship. तो ये चार आपके factor production आ गए। इनके बदले जो factor income generate हुई वो है wages, rent, interest and profit. So we can say that factor income are only earned incomes. तो factor income क्या होती है? अर्न इनकम्स होती हैं। सो वी ओनली इंक्लूड फैक्टर इनकम्स। ये ध्यान रखना है, कोई भी नॉन फैक्टर इनकम्स या नॉन अर्न इनकम्स या यूनिलैटरल इनकम हम इनकम मेथड में काउंट नहीं करेंगे। नाउ वी लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम्स, और वी से व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड। सो हियर इज द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड। Number one is compensation of employees. Compensation of employees refer to amount paid to employees by the employer for rendering productive services. It includes all payments and benefits which the employee receives directly or indirectly from the employer. Compensation of employees ka first component ho jayega wages and salary in cash. Chahe wages and salary labor ko cash mil rahi hai या ट्रांसफर इन बैंक अकाउंट हो रही है, इट विल बी कंसिडर एज ए वेजेस इन सैलरी इन कैश। नंबर टू कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का, डेट इज पेमेंट इन काइंड। इसे हम वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड भी कहते हैं।
It includes all non-monetary benefits like rent-free accommodation, free car, free medical and education facilities, etc. So these benefits also count in the compensation of employees. Number 3. Employers' contribution to social security schemes. It includes contribution made by employer for the social security of employees. इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं contribution to provident fund जिसको PPF कहते हैं, gratuity, labor welfare funds जैसे EPF और etc. Number 4, pension on retirement. So students, जब हम compensation employees के component की बात करते हैं तो हम उसमें pension on retirement को count करते हैं because it is a factor income. In service contract between employer and employees. Pension और retirement को लेकर labor, जो labor है वो already factor services rendering कर चुकी है. यहाँ पर एक ध्यान रखना है, अगर old age pension given है, क्योंकि old age pension is a non-factor payment, तो वो हम इसमें count नहीं करते हैं. So, operating surplus is another term used in factor payment. It refers to some total of income from ownership of physical or intellectual property, physical or intellectual property such as rent plus royalty plus interest and income from entrepreneurship profit. तो operating surplus के mainly आपके तीन part हो जाएंगे, rent, interest and profit. Rent के साथ साथ हम रॉयल्टी को भी कंसिडर करते हैं बिकॉज रॉयल्टी रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ग्रांटिंग लीजिंग राइट ऑफ सब सॉयल एसेट्स. जैसे रेंट में तो आप क्या जाएंगे, पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइज फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. सो रेंटल इनकम में आपकी इनकम फ्रॉम द लैंड एंड बिल्डिंग आ जाती है और रॉयल्टी में इनकम फ्रॉम द सब सॉयल एसेट्स. लाइक अगर हम कहेंगे ओनर ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स लाइक कोल, आयरन और नेचुरल गैस कैन अर्न इनकम बाय गिविंग राइट ऑफ माइनिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर्स. मींस रॉयल्टी में क्या होता है, सब सॉयल एसेट्स की वजह से द पर्सन गेट रॉयल्टी. नाउ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेफर्स टू अमाउंट रिसीव फ्रॉम लैंडिंग फंड्स टू ए प्रोडक्शन यूनिट. तो इंटरेस्ट में क्योंकि कैपिटल यूज हो रही है और प्रोडक्शन में कैपिटल का काफ़ी यूज होता है, उसके लिए जो अमाउंट उसके ऊपर अर्न होता है इंटरेस्ट, दैट इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस. नंबर 3 इज प्रॉफिट. प्रॉफिट के फिर फर्दर वी हैव 3 कंपोनेंट्स. प्रॉफिट इज अ रिवार्ड टू द एंटरप्रेन्योर्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो इट इज अ रेजिडुअल इनकम विच एन एंटरप्रेन्योर अर्न्स आफ्टर पेइंग ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. Now it has a 3 part. Number 1, it is a dividend. Dividend, it refers to that part of profit which is paid to the shareholder in the ratio of their shareholdings. तो ये dividend वो part होता है जो shareholders के बीच distributed किया जाता है. तो we know that it is also known as distributed profit. This is also known as distributed profit. Number 2, corporate profit tax. It is a direct tax paid by enterprise to the government on the total profit. तो profit का एक part आपका dividend के रूप में चला जाता है जो distributed profit होता है, दूसरा part corporate profit tax के रूप में चला जाता है. तो ये it is also part of profit, ये government के पास चला जाएगा. And number 3 is undistributed profit. It is also known as retained earning. So it is a part of profit which is not distributed among the shareholders. So अब ये undistributed profit क्यों होता है, because it is kept as reserve to meet unexpected contingencies or for business expansion. इसको जो entrepreneur होता है वो future में expansion के लिए या फिर contingencies, unexpected expenditures के लिए अपने पास retain रखता है, इसलिए इसको undistributed profit या फिर सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर या रिजर्व्स और सरप्लस के नाम से भी जाना जाता है. तो मैंने आपको इसकी 3 नेम्स बताए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसे कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग इसे कहते हैं,
सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर से कहते हैं, और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कहा जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को। नाउ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड इज मिक्स्ड इनकम। इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस यूजिंग देयर ओन लेबर लैंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम कुछ ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी देखते हैं जो कि सारे फैक्टर प्रोडक्शन अपने आप ही यूज करते हैं इन देयर हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस। लाइक अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें शॉपकीपर का, तो शॉपकीपर की जो इनकम होती है वो एग्जाम्पल है मिक्सड इनकम का, बिकॉज ही इज़ ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो कि खुद की लेबर यूज़ करता है, वो अपने शॉप पे खुद काम करता है। ही हैज़ देयर ओन शॉप, लैंड है उसकी, वो कैपिटल जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो भी उसका इम्प्यूटेड है, अपने आप किया हुआ है, और बिकॉज जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है वो खुद सबका ओनर है, तो ही इज़ ऑल्सो एंटरप्रेन्योर। सो हम कह सकते हैं कि एक हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज जो होती है उसकी जो इनकम होती है डेट आर मिक्सचर ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स, वो सारी फैक्टर इनकम का मिक्सचर होती है। इसीलिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की इनकम होती है डैट इज विल कम ऑन कैटेगरी ऑफ मिक्सड इनकम। नाउ व्हाट वी डू, वी ऐड ऑल दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स। नंबर वन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर टू ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्सड इनकम। जब हम इन तीनों कॉम्पोनेंट्स को ऐड कर देते हैं इनकम मेथड के, वी गेट NDPFC। और NDPFC बिकॉज इट इज़ ए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सो दिस इज नोन एज ऑल्सो डोमेस्टिक इनकम। एंड वी हैव टू फाइंड द नेशनल इनकम। तो हम क्या करेंगे NDPFC में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में, वी विल ऐड NFIA। और जब हम NFIA ऐड करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम बिकम द नेशनल इनकम एंड इट इज NNPFC। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथड फाइंडिंग द और मेजर द नेशनल इनकम and it is known as income method. That's all for today, students. Thank you. Have a nice day.